नमस्कार, जय जगन्नाथ। फिर से एक नया वीडियो के साथ हमारे चैनल पे आप सबको स्वागत है। तो दोस्तों, 3 दिन से मैं वीडियो बराबर आपके लिए बना नहीं पा रहा था, तो थोड़ा काम के वजह से खेल छोड़ी। आज से आज से बराबर वीडियो डालेंगे, आपके लिए बनाएंगे और डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यहाँ देखिए पापा मार्केट के लिए पूरी धो रहे हैं, और चलिए हम वहाँ खाना बनाते हैं, और क्या बना रहे हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये वाला मच्छी बनाने वाले हैं, और ये मच्छी को हम हमारे उड़िया भाषा में मंजारी माछो बोलते हैं, मंजारी फिश। केते केते बड़ बड़ पीस कर चुके गोटे माछो, केते केतरा लेखा पीस होउजे गोटे माछ को 10 पीस कर जे 10 पीस। हां, बहुत टैलेंट अछि। दोस्तों, ये वाटर पंप थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए इसमें पानी बराबर नहीं निकल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये है जो वो प्याज हमने लगाए थे, जो प्याज वो उखाड़ लिए हैं, धूप में थोड़ा सुखाए हैं, थोड़ा सूख जाने के बाद उठा के रख देंगे ताकि ज़्यादा दिन तक रह सके। मगर ये साल प्याज दोस्तों उतना अच्छा नहीं हुआ है, ये देखिए कितना छोटा छोटा हुआ है। गए सो साल जितने इससे कम लगाए थे, मगर बहुत ही अच्छा हुआ था गए सो साल, बहुत ही बड़ा बड़ा हुआ था। जितना भी हुआ था हमारा एक साल का गुजारा उसमें हो गया था, मतलब हम एक साल तक मार्केट से प्याज नहीं मतलब नहीं खरीदते थे, एक साल तक चला था। मगर यह साल तो लग रहा है एक साल क्या, 3-4 महीने ही में ही ख़त्म हो जाएगा, 3 महीना भी नहीं होगा शायद। और दोस्तों ये देखिए, कल शाम को मार्केट से मैं ये लेके आया था लॉन्ग बीन्स, हमारे भाषा में इसे कोई कोई झुड़ंगा बोलते हैं और कोई कोई इसे नाड़ुका भी बोलते हैं। तो आज मतलब कल रात को थोड़ा कारी हुआ था, और आज इसे फ्राई करने वाले हैं। दोस्तों साई यहाँ आम ढूंढने आ गया है। छुआ साई, ये ठीक कौन कर जो? आम्बो कुड़ जो? कहीं आम्बो कहीं? कहीं देखे देखी? ये देखिए तीन आम ढूंढ के रखा है यहाँ। इतना बड़ा बड़ा आम गिर जा रहा है पेड़ से, क्योंकि हवा बहुत तेजी चल रहा है इसलिए। सही पड़ ची गुड़ मैडो नहीं कुड़ी नहीं। हाँ, ये साल आम भी बहुत कम पकड़ा हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये जो पेड़ है इसमें आम ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा होता है, मगर इतना आम होता था कि इसमें पत्ता नहीं दिखता था, मगर ये साल इसमें भी आम बहुत ही कम हुआ है। तो अगर ये लंदो, अब हमारा मच्छी कारी रेडी हो गया है,
तरकारी ओह्ल सारिक चाखुच ये देखिए संजू कारी निकालने के बाद चख रही है। तो दोस्तों अब हमारा सब कारी रेडी हो गया है। ये देखिए ये है वो वाला मच्छी को फ्राई भी किए हैं और ये इमली के साथ इमली डाल के खट्टा भी बनाए हैं। और ये है वो जुड़ंगो यानी नाड़ुका बोलते हैं हम, यानी लॉन्ग बीन्स, इसका फ्राई भी बनाए हैं, आलू भी डाले हैं इसमें। तो चलिए खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर मार्केट जाना पड़ेगा। आज भी ग्रेवी नहीं है क्योंकि दोस्तों ये मच्छी को ग्रेवी वाला कारी नहीं बना सकते, बनाए तो अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा। ये मच्छी को ज़्यादातर खट्टा ही बनाते हैं। खट्टा बने जो मीठा बने जो गर्मी के मौसम में ज्यादा मसाला का अंदर ही नहीं जा रहा है, थोड़ा खट्टा हो तो मस्त।
Thank you.